हेलो फ्रेंड्स, और एक नवनियो आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते हैं मलेशिया की इपोह में चल रहा है सुल्तान अजलान सा कप 2022। तो आज है 3 नवंबर, नवंबर को कोई मैच खेला नहीं जा रहा है, आज रेस्ट डे है। तो इस बीच सुल्तान अजलान सा कप का एक पॉइंट टेबल आया हुआ है, जिसमें कौन सा टीम आगे है और कौन सा टीम पीछे है उसी के बारे में बताया गया है। तो अब तक जितने भी मैच हुआ है उसको लेकर जो पॉइंट टेबल आया हुआ है उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे और उसके ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो आप लोग हॉकी प्रेमी है, हॉकी के बारे में जो भी सूचना आता है उस पर आपकी नज़र रहता है। तो इस बीच सुल्तान अजलान सा कप 2022 का जो पॉइंट टेबल आया हुआ है उसमें वो 6 टीम हिस्सा ले रहे हैं, उनमें से पहले स्थान पर है कोरिया जो कि 2 मैच खेला है और दोनों मैच जीता है, 6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है इजिप्ट जो कि 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है, 3 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है साउथ अफ्रीका जो कि 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है और 1 मैच हार गया है, 3 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है जापान जो कि 2 मैच खेला है, 1 मैच जीता है, 1 मैच हार गया है, 3 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर है। पांचवें स्थान पर है पाकिस्तान जो कि 2 मैच खेला है, 1 मैच ड्रा में ख़त्म किया है और 1 मैच हार गया है, 1 पॉइंट के साथ 5वें स्थान पर है। 6वें स्थान पर है मलेशिया जो कि 2 मैच खेला है, 1 मैच ड्रा में ख़त्म किया और 1 मैच हार गया है, पॉइंट टेबल में 1 पॉइंट है इसीलिए वह 6वें स्थान पर है। तो ये थी सुल्तान अजलान सा कप 2022 की अब तक खेला गया मैच की पॉइंट टेबल के बारे में सूचना। मुझे लगा आप लोग के साथ भी ये शेयर करना जरूरी है, इसीलिए वीडियो बना दिया। मुझे लग रहा है हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।